आज बीआरएस पार्टी की पदयात्रा निमली अड्डा से स्टार्ट होके गोरंटी से लेके बागंबर पेट पटेल नगर और अलीकेफ चौरस्ता और वहाँ से लेके गोलना का हनुमान टेम्पल पे इख्तिताम हुई। इसमें हजारों की तादाद में बीआरएस पार्टी के कार्यकर्ता, लीडर्स, कॉरपोरेटर्स और एडवोकेट्स सभी इसमें शामिल हुए और बहुत ही सक्सेसफुल पदयात्रा हुई। और मैं इसी के साथ जो है अवामुन्नास से अपील करता हूँ कि 30 तारीख के दिन जल्द से जल्द फर्स्ट आवर्स में आप सब लोग घरों से निकलकर अपने वोट का बीआरएस पार्टी के हक में इस्तेमाल करिए और कालेर वेंकटेश साहब को भारी से भारी मेजॉरिटी से जिताने के लिए आप सबको घरों से बाहर आना ज़रूरी है। और अब लास्ट मोमेंट में 2 दिन बाकी है और आज 5 बजे इलेक्शन कैंपेनिंग का वक्त ख़त्म है, तो ये इख्तितामी तकरीब है और ये हमारी इख्तितामी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है जिसमें हमारे अफरोज भाई, मोहम्मद भाई, कादर शरीफ साहब, हमारे गौस भाई, सभी और भी लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं। अब ये 2 दिन में कई लोग जो है कोशिश करेंगे कि अपने वोट्स को डिवाइड करने की, लेकिन हम खास करके हमारे माइनॉरिटीज़ भाइयों बहनों से, नौजवानों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपना एक एक वोट बहुत कीमती है, तो आप लोग जो है अपने वोट को जो है सही इस्तेमाल करिए और अपने वोट को डिवाइड होने मत दीजिए। सभी मिलके अपने बूथ लेवल पे काम करने की ज़रूरत है और सब अपने घरों से निकल के वोट डालने की ज़रूरत है। अपना वोट ज़ाया मत करिए और सभी मिलके जो है बीआरएस पार्टी के हक में वोट दीजिए। जय हिंद, खुदा हाफिज़। अदबन मैं मुस्लिम माइनॉरिटी से अपील करता हूँ खास तौर पे कि 30 तारीख के दिन सुबह फर्स्ट आवर्स में कि अपने अपने फैमिलीज, अपने रिलेटिव्स का थीम थी और अर्दिल अजीज अली जनाब इज़्ज़त माफ कलर वेंकटेश साहब को डालकर जिताइए और तीसरी मरतबा केसीआर साहब को हैट्रिक चीफ मिनिस्टर बनाइए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम भाई, 30 तारीख के दिन आप लोग आपका वोट माइनॉरिटीज़ का आप सही इस्तेमाल करिए, तकसीम मत करिए और आपका कार का निशान है कालेरू वेंकटेशना, उनको जिताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज आप लोग अंबरपेट के हलके में सब लोग जानते हैं कि हमारे कालेरू वेंकटेश साहब की कितनी खिदमत है, उन्होंने क्या क्या अपने अंबरपेट के लिए किया है, उसको नज़र में रखते हुए आप लोग अपने घरों से 30 तारीख के दिन निकल के कार के निशान पर जो 4 नंबर पर है वो अपना कीमती वोट डालकर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अक्सरियत में कामयाब हासिल करें। ज़्यादा करना मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि तेलंगाना में सेकुलर पार्टी के साहब के हाथ मजबूत कीजिए। हमारे अंबरपेट के रहन लीडर कालेरू वेंकटेश अंबरपेट को 4 चांद लगा दिए और एक खूबसूरत बेहतरीन लीडर है। खास खास हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर एक के काम में आने वाले बेहतरीन लीडर हैं। मैं और मेरी एक शिकायत है कि मुसलमान बहनों के वोटा में से तकरीबन 50% ही होता, 90% तक आप वोट डालिए, क्योंकि अगर घर में बैठेंगे तो वोट नहीं डालेंगे तो हमारे भारी नुकसान होगा, बीआरएस पार्टी को भारी नुकसान होगा। इसलिए मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि मेरे गोशे वाले बहनों से, बुजुर्ग माओं से गुजारिश करता हूँ कि अपना कीमती वोट 30 तारीख के सुबह सुबह 5 बजे उठना, फजर की नमाज़ पढ़ना, 7 बजे वोट डालना, 7:30 को नाश्ता करना और हमारे अंबरपेट के डायनेमिक लीडर काले वेंकटेश शर्मा को 4 नंबर पर बटन दबाना, 4 नंबर पर बटन दबाना, भारी अक्सरियत से जिताना, कम से कम 1 लाख वोटों की अक्सरियत से उन्हें जीतना। जय तेलंगाना, जय कालेरू, जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सभी अंबरपेट के आवाम से ये अपील करता हूँ कि 30 नवंबर को अपने उम्मीदवार कालेरू वेंकटेश अन्ना को वोट देकर भारी अक्सरियत से उनको जिताना, बल्कि मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ सबसे। और जब 3 तारीख को रिजल्ट आएगा पूरे अंबरपेट में खाली गुलाबी रंग नजर आना इंशाल्लाह। और मेरे माइनॉरिटी भाई बहनों से गुजारिश है अपने अपने घरों से ख़वातीन को लेके आके खास तौर पे सुबह के वक्त वोट डलाइए,
अपना निशान कार है और चार नंबर पर है। इंशाल्लाह सभी से गुजारिश कर रहा हूँ मैं, भारी से भारी अक्सरियत से वोट डालकर कालेर वेंकटेश को जिताने की साजिश हासिल कीजिए। 20 तारीख के दिन कार के निशान को वोट डालिए भाई, और जो अपने घर में खवातीन हैं उनको फजर की नमाज के बाद अपने घर के जो भी है खवातीन को जल्द से जल्द जल्दी भेजना भाई वोट डाल के, ये बोल के बोलना। और घर में क्या है, लेडीज़ बैठ जाते पका लेते कर लेते हुए, अपने घर के जिनसे मैं गुजारिश करूँ अपने अपने लेडीज़ को, ज़ईफ़ लोग आए उनको गाड़ी पे ऑटो का इंतज़ाम रहेगा उधर इधर बस्तियों में लगाते, पूरे मिलके लेके आके वोट डलाना। बहुत कीमती है भाई वोट, इसका ज़ाया मत करिए। और कांग्रेस को वोट डाले तो बीजेपी को डाले जैसा, बहुत आप लोग गौर करना भाई। 4 तारीख के दिन कार के निशान वोट डालिए भाई, 30 तारीख के दिन 4 नंबर पर वोट डालिए भाई।